मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव का बिगुल बज चुका है और हर एक पार्टी अपने इस चुनावी दौर पे लग चुकी है। हर एक पार्टी की तरफ से कोशिश किया जा रहा है कि उनके सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आ सके महानगर पालिका में, लेकिन शिवसेना पार्टी काफी सालों से महानगर पालिका में राज कर रही है और शिवसेना पार्टी के माध्यम से काफी बड़े विकास भरे काम किए जा रहे हैं। लेकिन आज कुर्ला विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बड़े काम किए गए। आज हमारे साथ यहाँ के MLA मंगेश कुलारकर जी है, आज उनसे बात करेंगे कि महानगर पालिका के चुनाव में इनके ऊपर जो जवाबदारी दी गई है किस तरह इनका रवैया होगा जिससे कुर्ला विधानसभा में शिवसेना पार्टी की सबसे ज्यादा सीट आ सकती है। सर, CA न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कुर्ला विधानसभा की अगर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण विधानसभा यह माना जाता है और यहाँ पे शिवसेना का अगर सीट देखा जाएगा तो 2-3 सीटों पर आपका शिवसेना पार्टी का राज है। क्या कहेंगे इस बार जो महानगर पालिका का चुनाव है इसमें कितने सीट पे शिवसेना पार्टी के कैंडिडेट आ सकते हैं? पूरे कुर्ला विधानसभा क्षेत्र में हमारे शिवसेना के 4 विधायक कॉर्पोरेटर यहाँ पे पिछले टाइम चुन के आए थे और एक कॉर्पोरेटर अपक्ष था, वो भी शिवसेना में आया। करीबन 7 सीटों में से 5 सीटें शिवसेना की थी, लेकिन इस बार ऐसा माहौल हम लोग ने, हमारे सभी शिवसैनिकों ने और सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने किया हुआ है कामों के जरिए, तो इस आने वाली चुनाव में हमें एक हमारा सपना तो साफ का है ही, लेकिन हमारा सबका विजन है कि 7 के 7 सीटों पर शिवसेना का भगवा लहराएगा। सर, अगर बात की जाए कुर्ला विधानसभा की विकास की तो क्या कहेंगे कि इस विधानसभा में ऐसे कौन से बड़े काम करना चाहेंगे, कॉलेज, स्कूल, गार्डन या गटर, बाथरूम, क्या लगता है कि इसमें इस विधानसभा में और क्या काम होना जरूरी रह चुका है? हमारे कॉर्पोरेटर जब से यहाँ पे काम कर रहे हैं तभी से, और मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता है तो शिवसेना की ओर से यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम हुए। हमारे बालानाइक भी पहले कॉर्पोरेटर थे, उनके बाद अभी यहाँ पे संजना मुणगेकर, दर्शना शिंदे, हमारे डॉक्टर अनुराधा पेडणेकर है, हमारे तिलक नगर की नगर सेविका है दीपा परब, और सभी कॉर्पोरेटर ने अच्छी तरह से काम किया हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमने, जैसे आपने कहा कॉलेज स्कूल के लिए, लेकिन अभी हमने, आपने देखा रहेगा सामने ही एक स्कूल है जो बालानाइक के प्रयत्नों से वहाँ पे हुआ था, वो बहुत ही अच्छा स्कूल, वहाँ पे हमने उसका पुनर्विकास किया हुआ है। वैसे ही शिव सृष्टि में किया हुआ है, शिव सृष्टि में भी अच्छा स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल भी नहीं रहेगा, इस तरह का स्कूल हम लोगों ने बनाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के हिसाब से जो जो नाले हैं, नालों का काम, अभी मेटकर नाला सामने अगर आप देखेंगे तो उधर भी काम चालू है, सामने ही उसका वाइंडिंग का काम चालू है, अंडरग्राउंड नाला उसका काम हुआ है, टेंडर निकला हुआ है, वर्क ऑर्डर होके उसका काम अभी शुरू है। वैसे ही सभी नालों का एक अच्छी तरह से वाइंडिंग करके, बारिश में जो पानी की समस्या है, पानी रोड पे जमा होने के और नाले में जमा होने के, तो उसकी वजह से जो समस्या थी वो अभी पूरी तरह ख़त्म हो गई है। नाला हमारा जो वाइंडिंग अप था वो बहुत अच्छी तरह से हो गया है, और उसके साथ ही है SG Bore रोड जो कुर्ला स्टेशन से लेके इस सिग्नल तलक हम लोग उसका विस्तारीकरण का प्रोग्राम हमारा है, और उसमें हम लोग जो जो SRA स्कीम वहाँ पे है उसका सेटबैक लेके अच्छी तरह से वो भी वाइंडिंग का हमारा प्रपोजल है। कुर्ला स्टेशन अच्छी तरह से रहे, लोगों को आने जाने के लिए, प्रवासियों को आने जाने के लिए तकलीफ न हो, इसके हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी हम कामयाब होंगे। और बहुत सारे काम मैंने अपने विधायक करके, जो बड़ी बड़ी समस्या है, अभी कल ही हमारी हाउसिंग पॉलिसी आ गई जो 2 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ने घाटकोर में घोषित की थी, और हमारे तीन महीनों से प्रयत्नों से हम लोग उपोषण में बैठे थे हमारे कुछ रहवासी, उसमें भी हम कल सफल हो गए और GR भी उसका कल निकल गया है। वैसे ही जो यहाँ का एक वार्ड है 151, अभी जो नया वार्ड हुआ है टकरप्पा वसलादाई नाइक नगर, इस वार्ड को हमने स्मार्ट दलित बस्ती योजना में अंतर्भूत किया हुआ है और उसका शुभारम्भ भी आज होने वाला है। इस उड्डान पुल का नाम हमने संत रविदास उड्डान पुल, जो हमने इलेक्शन में प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस हम लोग आज फुलफिल कर रहे हैं और उसका संत रविदास उड्डान पुल नाम हम आज रख रहे हैं। और साथ में ही वो नारियल बढ़ाने का कार्यक्रम स्मार्ट दलित बस्ती योजना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दलित बस्ती योजना, जो मुंबई में सबसे पहले गांव हमने दत्तक लिया हुआ है, और इसमें इसका उद्देश्य है कि हम उस गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से डेवलप करेंगे। पानी की समस्या, सीवरेज लाइन की समस्या, इधर की गंदगी की समस्या, आरोग्य केंद्र, समाज केंद्र, इन सभी का इस सभी कामों का काम यहां पे अंतर्भूत होने वाला है। बहुत अच्छी तरह से इसका
विकास होने वाला है, क्योंकि ठक्करबा कॉलोनी आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत उधर बहुत पीछे है, और इसके लिए हमने महीने बहुत उसमें कोशिश की सोशल वेलफेयर सेंटर में। हमारे समाज कल्याण मंत्री और हमारे सभी मंत्री इन्होंने भी मुझे बहुत सारा अच्छा सहकार्य किया, और हमारे मुंबई में एक ही गांव यहां पे दत्तक लिया गया है, जिसका आज हम लोग भूमि पूजन करेंगे। अगर शिवसेना पार्टी की बात की जाए तो शिवसेना पार्टी काफी सालों से महानगर पालिका में रह के लोगों के विकास भरे काम किए हैं, लेकिन कुर्ला विधानसभा की अगर बात किया जाए तो यहाँ के कर्मठ नेता आमदार श्री मंगेश कुलारकर जी के नेतृत्व में काफी विकास भरा काम किया जा रहा है। और हमारे साथ यहाँ के एक शिवसेना पार्टी के लीडर है कमलाकर बाला नाइक जी, आइए हम उनसे एक चर्चा करते हैं। सर, सीए न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको जो वार्ड दिया जा रहा है इस बार पार्टी की तरफ से, क्या लगता है कि इस पार्टी इस बार इस महानगर पालिका के चुनाव में क्या लगता है बहुमत से जीत के आएंगे? लोगों की चाहत है, काम मेरा काम देखा है सब लोगों ने, और लोगों की चाहत है, एमएलए का साथ है और उतना काम हुआ है, तो लोगों की चाहत से हम लोग बहुमत से वहाँ टिकट आराम से निकल सकते। अगर महानगर पालिका की बात की जाए तो इस बार शिवसेना पार्टी का वापस महापौर बनना तय है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, कुर्ला विधानसभा में रहते हैं, क्या लगता है कि इस बार वापस जब शिवसेना पार्टी की अगर सत्ता आती है तो इस विभाग में क्या क्या काम करना चाहिए, क्या लगता है आपको? यहाँ के एमएलए ने, जो हमारे कार्य सम्राट है मंगेश कुडालकर साहब, उनने जो काम किया है, पूरे बम्बई बोलने के वजह से मैं बोलूँगा कि बम्बई छोड़ के पूरे महाराष्ट्र में उन्हें जो दलित बस्ती जो स्मार्ट सिटी उन्होंने लाई है, उससे बढ़कर कोई काम नहीं है। जो भी कॉरपोरेट आएगा उसके लिए शौचालय होगा, गटर के नाले होंगे, यही कुछ काम बचा रहेगा और काम एक नंबर होगा। अगर बात की जाए विकास की तो कुर्ला विधानसभा का विकास काफी हो चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में इस विधानसभा में काफी विकास देखने को मिल सकता है। कैमरामैन मिथिलेश के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज मुंबई।